हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट ब्लॉग। और देखिए, आज मेरे कबूतर फिर आज बहुत सारे आए हैं। मतलब वो आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उड़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उड़ जा रहे हैं। और हम लोग ऐसे छत पे कोई जाते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं, पर आज माँ वहाँ पे फूल वगैरह तोड़ रही हैं, फिर भी वो नहीं भाग रहे हैं, और फिर भाग भी जा रहे हैं, कोई ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, मतलब आर्ट करने के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ अगर मैं अपना आर्ट नहीं बना पाती तो। और 2 दिन बाद राखी है, तो देखिए मेरी बड़ी बेटी मेहंदी लगा रही है, तो मेहंदी लगाना था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना था। मेरा बेटा मीटपैट का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मेरे बेटे ने अपने हाथ पे उनका लोगो बना के उनका नाम लिखा, तो मेरी बड़ी बेटी ने उसका फ़ोटो खींच के इंस्टा पे फ़ोटो खींच के टैग करके डाल दिया। तो कुछ ही देर में वहाँ से मीटपैट का रिप्लाई आया और मेरा बेटा इतना खुश कि उन्होंने अपने स्टोरी पे भी डाल दिया है। तो ये है मीटपैट जी, बहुत अच्छे गेमर है, आप लोग उन्हें फॉलो कीजिए। आज देखिए बादल में चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके बगल में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ स्टार भी है। तो आज मैं फिर अपना आर्ट वर्क बिल्कुल नहीं बना पाई, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ अपना फेवरेट आर्ट वर्क है वही मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए यही है मेरी फेवरेट आर्ट वर्क्स। तो ये मैंने बुद्धा जी का बनाया था कॉफ़ी से, और जो कलर होता है येलो कलर, कलर फूड कलर, उससे किया था। और ये तो मैंने दुर्गा माता का पेंसिल स्केच से किया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, कोरोना के समय में मैंने किया था। तो और ये देखिए कोरोना को कैसे क्षतिग्रस्त करते हुए काश सही में ऐसे एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये मैंने सिंदूर से किया है, रेड और ऑरेंज और हल्दी से। और ये भी मैंने पेंसिल स्केच से अमित जी का बनाया था, उतना परफेक्ट नहीं बना है। और ये एक बिल्ली जो पेपर को फाड़ के निकल रही है, और ये नवरात्रा के समय मैंने बनाया था।
बहुत ही इसमें बहुत टाइम लगा था, छोटे छोटे डिटेलिंग वर्क करना पड़ा था इसमें। और ये जो अभी आ रहा है तो इसे हमें उल्टा वर्क करना था, तो मैं इसे उल्टा ही वर्क की थी। इसमें भी बहुत परेशानी हुआ था लेकिन अच्छा ही बना था। और ये सारे मेरे फेवरेट आर्ट वर्क हैं। और फिर एक मैंने न्यूज़पेपर में बनाया था, जो एक ऐसे न्यूज़पेपर में सिंपल सा मैंने कोशिश किया, तो ये भी बहुत अच्छा ही बना था, तो इसीलिए देखिए। और ये मैंने 2020 में लास्ट में रात में बनाया था कि 2021 आने तक भोलेनाथ इसे भगा। और नंदी जी 2021 को ला रहे हैं। अगर आपको आर्टवर्क पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय।